हेलो। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको वो दिखा लिया, क्या कहते हैं उसे, आगरा फोर्ट गए थे। उसके बाद फतेहपुर, आगरा से फतेहपुर सीकरी हम आ चुके हैं। फतेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। और अब यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा देखेंगे और महल है वहाँ देखेंगे, और सोच रहा हूँ मैं कि यहीं पे स्टे कर लूँ और कल जयपुर के लिए निकला जाए। फिलहाल देखते रहिए आप, शायद Maybe I think that I will stay in Jaipur. सो दिस इज द बुलंद दरवाज़ा विच वॉज मेड बाय अकबर। और ये ऐसा कहा जाता है कि एशिया का बिगेस्ट गेट है, ये एशिया का सबसे बड़ा गेट, और फतेहपुर सीकरी में है ये। अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा के अंदर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जिस शेख सलीम चिश्ती से अकबर ने दुआ मांगी थी उनकी औलाद के लिए, वो पैदा हो गई थी। हाँ, क्या कह रहे हो बाबा? तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो गेट है इसके बीच बीच में 9 दरवाजे हैं। ये देखिए, एक 1 2 3 1 2 3 है, 1 2 3 इधर, मतलब अकबर के 9 रतन थे ना, तो हर एक दरवाजे पे एक रतन उसका खड़ा होता था, ऐसे था मामला सीन। मतलब शेख सलीम चिश्ती दरगाह, विच इज वेरी फेमस फॉर अकबर एंड ही वॉज अ डिवोटी ऑफ इट, शेख सलीम चिश्ती दरगाह। अच्छा, ये वाला ना, ये पिलर है, ये अकबर के हाथी का है। अच्छा, जो हाथी दिया था राजा मानसिंह ने, अकबर नहीं करता था फैसला, अकबर छोड़ देता हाथी के अंदर। जब हाथी देखता है वो 7 चक्कर लगाता था, वो सुन के देखता था। जो गुनाहगार होता है, जो गुनाहगार नहीं होता है उसको माफ कर देता है, गुनाहगार होता है हाथी जजमेंट देता था, हाथी हाथी पैर रखे उसको मार देता। हाथी मर गया उसके नीचे बनाया यादगार के लिए। अच्छा। हाथी का नाम है हिरन, इसको हिरन हिरन मीनार, हिरन मीनार। अकबर ने वहाँ जाने का रास्ता है। हाँ, ये पिलर। अच्छा अच्छा। और ये अकबर ने यहाँ बनाया था पानी के लिए, मोती झील। ओके। अभी यहाँ पानी जो लोग खेती करते हैं, किसान लोग, ये अकबर के जमाने का पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस। अच्छा, पोस्टमैन पोस्ट। उस जमाने में ये कबूतर होते थे, ये चिट्ठी दे जाते थे अकबर के जमाने में। और ये उस जमाने में टूटे फूटे बन गए टकसाल थे, उस जमाने में यहाँ पैसे बनते थे, चांदी सोने के सिक्के। वो पुराना गांव था सीकरी गांव, ये फतेहपुर न्यू सिटी। और वो लड़ाई का मैदान का नाम है बैक साइड खानवा का मैदान। खानवा का, हाँ, खानवा जहाँ जंग हुआ था। अच्छा। राणा सांगा बाबर 1527 में। हाँ, 15 बाबर ने इसको हराया, उसको जीता, फतेह किया, विजय किया, इसका नाम रखा फतेहपुर सीकरी। इसके पीछे राइटेंस शुरू हुआ, वो सामने बड़े बने हुए लाल पत्थर का व्हाइट कलर। सबसे पहले अकबर ने वो बनाया, अकबर की बेगम के रहने के लिए, तीनों वाइफ वहाँ रहती थी। अच्छा। वही जोधा भाई से लड़का वो बिल्डिंग का जहांगीर, वो जहांगीर का पैदल का मकान। इसी बिल्डिंग का नाम रखा रंग महल, रंग माने खुशी का महल, वो रंग महल है। अच्छा। उसके पीछे लोग रहते हैं सलीम चिश्ती का खानदान के लोग, यहाँ अभी रहते हैं, अभी भी रहते हैं। अच्छा। उनका 16वां पीढ़ी चल रहा है, 16th generation। यहाँ जलाते थे मशाल पत्थर के अंदर, ऊपर बैठते अकबर के वॉचमैन चौकीदार। ओके ओके। ये शौचालय बाद में बनाए गए, पहले नहीं थे, ये सब पत्थर बाद में लगाए 2004 में 2006 में। सलीम।
था इधर लेडीज का था, तो झुके आते थे, झुके मतलब रिस्पेक्ट पे करती थी जुटी इधर का। ग्रेव्स है ना, ये जितने भी कबर हैं वो सलीम चिश्ती के जो खानदान वाले हैं उन सब की हैं, और वो आज भी जिंदा हैं। फतेहपुर सीकरी में ही रहते हैं वो लोग, उनकी छठवीं जने पता नहीं कौन सी पीढ़ी अब भी जिंदा है, और उनके उन्हीं की सब ग्रेव हैं ये सब, और ये वाली भी। तो ये सुरंग है, यहाँ से कहाँ कहाँ जाते हैं फिर से बताना, कहाँ कहाँ? हाँ, आगरा से दिल्ली, आगरा से दिल्ली, से लाहौर, दिल्ली से लाहौर, ठीक है। यहाँ मूवी मुगले आजम की शूटिंग हुई है। मुगले आजम जी, अनारकली एक दासी की लड़की थी, नौकरानी थी, सलीम उसे चाहता था मोहब्बत, अकबर ने इसको मना कर दिया था, उसको जिंदा चुनवा दिया गया आगरा किले के अंदर। सबके नजरों मरी थी, वो मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। तब जोधा भाई ने अनारकली को यहाँ से इसको बाहर निकाला, उनका मकबरा यानी वो लाहौर में बना हुआ है, जहांगीर का अनारकली। सलीम चिश्ती की दरगाह पे हमने हाजिरी दे दी है, और क्या कहते हैं, और ये सब घूम लिया है मैं, आपने वीडियो में देख लिया होगा, होप करता हूँ अच्छी लगी होगी। और अब मैं जा रहा हूँ फतेहपुर फोर्ट में, जहाँ पे अकबर, बीरबल और जोधा भाई का महल है, और वहाँ पे जा रहे हैं फिलहाल। यहाँ की अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, डू लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। सो अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। ऑल्सो यहाँ पे जो शाहरुख खान की परदेश मूवी है ना, उसकी शूटिंग इसी एरिया में हुई है।